तंबाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन एक तंबाकू व्यापारी इस सरकार के लिए हानिकारक साबित होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस तंबाकू किंग पर करोड़ों की टैक्स चोरी का आरोप है। 3 दिन से इनकम टैक्स की टीम तंबाकू किंग के किमडन का सच पता लगाने में जुटी है। खुलासे एक से नहीं हो रहे। तंबाकू की नींव पर खड़े महल के अंदर क्या क्या है ये जानेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। अगर ये घड़ी मिल जाए तो शायद वक्त बदल जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि हीरे से जड़ी इस घड़ी की कीमत करीब 2.5 करोड़ रुपए है। जी हाँ, कलाई पर बांधने वाली ये रोलेक्स डायमंड वॉच 2.5 करोड़ की है। और जिस कलाई में ये बंधी रहती थी, हम उस चेहरे को भी आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले देखिए एक छत के नीचे लग्जरी गाड़ियों का संसार, जिनकी कीमत 60 से 70 करोड़ रुपए के करीब बताई जा रही है। ये देखिए फरारी 812 GTS कीमत 6 करोड़ रुपए, लंबोर्गिनी उरुस कीमत 4 करोड़ रुपए, और ये रही रॉल्स रॉयस की फैंटम EWP जिसकी ऑन रोड कीमत करीब 13 करोड़ रुपए है। अकूत दौलत का ये वृक्ष दिल्ली में है, लेकिन जड़े कानपुर में है, और दोनों ही जगह इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम 3 दिनों से जमी है, इनकम टैक्स के टारगेट पर है। टोबैको किंग के मिश्रा। बंसीधर टोबैको लिमिटेड कंपनी के मालिक और कानपुर के व्यवसायी के मिश्रा के भारत स्थित अलग अलग तमाम इलाकों में छापेमारी की जा रही है आयकर विभाग की तरफ से। मैं आपको तस्वीरें उनके दिल्ली में वसंत विहार इलाके में जो आवास है वहां से दिखा रही हूँ सीधी तस्वीरें। तो आप देखिए ये दिल्ली में उनका आवास है। कहा जाता है यहाँ पे के मिश्रा के बेटा शिवम मिश्रा और उनकी बहू रहती हैं। आप देख सकते हैं बंगलों का नाम भी शिवाय है और ये कहा जाता है कि उनके बेटे शिवम के नाम पर है। और यहाँ भी पिछले 3 दिनों से लगातार आयकर विभाग की टीम छापेमारी कर रही है। छापेमारी में कई करोड़ कैश, साथ ही कई लग्जरियस गाड़ी जिनकी कीमत करोड़ों में बताई जा रही है वो मौजूद है। आभूषण भी बरामद किए गए हैं, महंगी घड़ियां, महंगी गाड़ी हैं। कंपनी ने अपना टर्नओवर 20 से 25 करोड़ बताया था, तो ऐसे में इतनी महंगी गाड़ियां जिनकी कीमत करोड़ों में है, साथ ही कैश तकरीबन अब तक आयकर विभाग ने 4.5 करोड़ तक कैश ही बरामद किए हैं। बंसीधर तंबाकू कंपनी के मुखिया के मिश्रा के कई ठिकानों पर इनकम टैक्स की 15 से 20 टीमों ने रेड मारी है। छापेमारी का विस्तार यूपी, गुजरात, आंध्र प्रदेश और दिल्ली सहित 5 राज्यों तक है। कानपुर की ये तस्वीर देखिए। नयागंज इलाके में बंसीधर एक्सपोर्ट के बाहर पुलिसकर्मी पहरा दे रहे हैं और अंदर इनकम टैक्स की टीम टैक्स चोरी के सबूत जुटा रही है। हम आपको के मिश्रा और उनके बेटे शिवम मिश्रा के वायरल हो रहे डार्क सीक्रेट्स भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि आखिर टोबैको किंग पर क्या आरोप हैं। सूत्रों के मुताबिक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता चला है कि बंसीधर तंबाकू का टर्नओवर 100 से 150 करोड़ रुपए के आसपास है, जबकि कंपनी सिर्फ 20 से 25 करोड़ रुपए का टर्नओवर ही दिखा रही थी। अपने हिसाब किताब में भी कंपनी ने हेरा फेरी की है। जिन कंपनियों का जिक्र लेन देन में है उन कंपनीज को फर्जी चेक भी जारी हो रहे थे। कई बोगस कंपनियों के बारे में भी जानकारी मिली है। कुल मिलाकर कहें तो इस कंपनी पर फर्जी बिल, कच्ची एंट्री और फर्जी चेक के जरिए करोड़ों रुपए की सालाना टैक्स चोरी का शक है। इनकम टैक्स के अधिकारियों ने कंपनी के मालिक से पूछताछ में ये भी जाना कि अगर कंपनी का टर्नओवर 20 से 25 करोड़ ही है तो घर में 60 से 70 करोड़ के ऊपर की गाड़ियां आखिर क्या कर रही हैं? अब आपको कानपुर के तंबाकू कारोबारी के मिश्रा से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट बताते हैं। दरअसल दिल्ली वाले बंगले पर इनकम टैक्स के अधिकारी के मिश्रा से पूछताछ कर रहे हैं, लेकिन के मिश्रा ये कहकर अधिकारियों के तीखे सवालों से बच रहे हैं कि उनकी तबीयत खराब है। इनकम टैक्स के अधिकारियों का पहला सवाल यही है कि अगर कंपनी का टर्नओवर 20 से 25 करोड़ का है तो फिर 70 करोड़ रुपए के ऊपर की गाड़ियां उनके घर में कैसे हैं? करोड़ों की घड़ियां कहां से आईं और क्या है ब्लैक किंगडम का असली सच?
लोग बताते हैं कि साल 1931 में बंशीधर नाम से एक आदमी ने छोटी सी दुकान से अपना कारोबार शुरू किया। देश आजाद हुआ तो कारोबार कानपुर में फला फूला। 70 से 80 के दशक में कंपनी बड़ी होने लगी और गुटखा कंपनियों को मास सप्लाई करने लगी, आपूर्ति करने लगी। कंपनी का कार्यालय जब कानपुर में है जबकि संचालन दिल्ली से होता है। टोबैको किंग के मिश्रा परिवार के साथ दिल्ली में रहते हैं, कानपुर में सिर्फ कर्मचारी बिजनेस संभालते हैं। फोन के जरिए के मिश्रा और उनका बेटा शिवम कानपुर के कर्मचारियों से संपर्क में रहते हैं, लेकिन इस वक्त इन दोनों से संपर्क में है इनकम टैक्स की टीम। रेड पूरी होते ही टोबैको किंग से जुड़े कई और सनसनीखेज खुलासे और हो सकते हैं। के मिश्रा के घर से बाहर निकलते इनकम टैक्स अफसरों को देखिए, हाथ में बैग है, कुछ नोटों से भरे हैं तो कुछ सबूतों से। देश के 5 राज्यों में तंबाकू किंग के साम्राज्य में करोड़ों की टैक्स चोरी की कड़ियां जोड़ी जा रही हैं। लैपटॉप, मोबाइल फोन और कंप्यूटर को आईटी की टीम ने अपने कब्जे में ले लिया है। के मिश्रा और उनके बेटे शिवम मिश्रा की इनकम और खर्च को उनके मौजूदा एसेट्स और उनके रिकॉर्ड से मिलान कर रही है। 7 करोड़ से ऊपर तो कैश और ज्वेलरी मिली है, तो क्या ये एक बड़ी रिकवरी की झांकी भर है? इसके साथ ही कारोबारी की गुजरात की ऊंझा में जो फैक्ट्री है वहां पर गुंटूर में जिस फैक्ट्री से बंशीधर कंपनी माल खरीदती है उस लोकेशन पर भी आयकर विभाग की टीमों द्वारा लगातार छापेमारी की जा रही है। अब इस चेहरे को देखिए, नाम है शिवम कुमार मिश्रा, के मिश्रा के बेटे हैं, महंगी गाड़ियों के दीवाने और करोड़ों रुपए की खड़ियों को कलाई में बांधने के शौकीन। दिल्ली के वसंत विहार में जितनी लग्जरी गाड़ियां खड़ी हैं, सब शिवम के नाम पर रजिस्टर्ड हैं। हर लग्जरी गाड़ी का आखिरी 4 नंबर सेम है, 4018। इनकम टैक्स की टीम जानना चाहती है कि जो कंपनी सिर्फ 20 से 25 करोड़ का टर्नओवर दिखाती है, वहां अय्याशी लोग किसने बनाया? करोड़ों की खड़ियां और गाड़ियां कहां से आई? इसके अलावा बंशीधर टोबैको लिमिटेड कंपनी के द्वारा कच्ची में माल उन बड़े पान मसाला ग्रुप को बेचा जा रहा था, यानी कि उन बड़े पान मसाला ग्रुप ने कच्ची में माल इस कंपनी से खरीदा, जिसके आधार पर आयकर विभाग अब उन कंपनी पर भी एक्शन की तैयारी में है। फिलहाल अब तक की कार्रवाई में आयकर विभाग की टीम ने 4.5 करोड़ कैश, साथ ही 2.5 से 3 करोड़ के आभूषण जब्त किए हैं। इसके साथ ही महंगी गाड़ियों को खरीदने के पैसे कहाँ से आए इसकी पूछताछ भी चल रही है। अब आपको इस महारेड से जुड़ी एक और बड़ी बात बताते हैं। सूत्रों के मुताबिक के मिश्रा और बंशीधर टोबैको कंपनी की कमाई का पता लगाते लगाते इनकम टैक्स के रडार पर एक बड़े पान मसाला ग्रुप का नाम भी आया है, क्योंकि के मिश्रा की कंपनी से कच्चे में एक बड़ा पान मसाला ग्रुप माल खरीद रहा था, यानी बिना किसी कागजी प्रक्रिया के बड़े पान मसाला ग्रुप को बंशीधर कंपनी ने माल बेचा है। इस बीच इनकम टैक्स की टीम ने बरामद हुए लग्जरी आइटम्स, ज्वेलरी, घड़ी और गाड़ियों के वैल्यूएशन के लिए स्पेशल टीम को बुलाया है, जिसकी रिपोर्ट कुछ दिनों के बाद आ जाएगी। इतनी महंगी गाड़ियां, आभूषण कहां से आए, ये तमाम सवाल जो आयकर विभाग की तरफ से कंपनी के मालिक यानी कि के मिश्रा के सामने रखा जा रहा है, और दिल्ली में उनके जितने भी आवास है, साथ ही उनके रिश्तेदार के जो आवास है अलग अलग इलाकों में, राजेंद्र नगर में मौजूद है, वहां भी छापेमारी चल रही है। साथ ही वो जिस कंपनी के साथ लेन देन करते हैं, जिस कंपनी से उनकी डील होती थी, उन कंपनी में जो उनके गुजरात में कुछ कंपनी मौजूद है, वहां भी लगातार पूछताछ चल रही है। अब देखना है कि ये रेट कितने दिन तक चलता है, क्योंकि जब तक आयकर विभाग को अपने सभी सवालों के जवाब नहीं मिल जाते, जितनी संपत्ति जिसका ब्यौरा नहीं है, जो रजिस्टर्ड नहीं है यानी कि बेनाम संपत्ति का हिसाब नहीं मिल जाता, तब तक इसी तरीके से आयकर विभाग की जो छापेमारी है वो चलती रहेगी। कैमरा पर्सन सुनील कुमार के साथ मैं मेघा उपाध्याय, एबीपी न्यूज़ दिल्ली।